इसमें भी देखिए जानवरों ने खोद के रखा है। और मैंने अभी यहाँ पे एक बड़ा पेड़ देखा था थोड़ी देर पहले, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये ग्रह जो कि बहुत बड़ा है। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गढ़ी और साथ में है परवेश भाई, और वो उधर जब्बार भाई रेडी हो रहे हैं। वो दूर है, दूर से हाथी ला रहे हैं। तो चलो सीधे मिलते हैं गढ़ी पे। और परवेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस आज देखते हैं यार, बहुत नाम सुना है गढ़ी का, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या है आज गढ़ी में। नाम सुना है अपन, वो जंगल में। क्या बात कर रहे हो, जंगल है? जंगल में तो वहाँ चलना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। फाइनली दोस्तों आ गए हम किले के पास। देखिए बैक में एक किला है, पहले हम जाएंगे वहाँ पर। जो आपको दिख रहा है देखिए, वो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ चलेंगे। और फिर हम चलेंगे इस किले के अंदर, देखेंगे कि किला कैसा है। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नदी पर, यहाँ पर एक नदी है। पहले नदी पर जाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत बेकार रास्ता था, और गड्ढे इतने थे कि भाई लोगों की देखो हालत कैसी हो गई है। पूरे देख ले कैसे कर रही है, तो इनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों चलते हैं नदी पर और देखते हैं कि नदी कैसी है, पानी है कि नहीं है। अगर सूखी रहेगी तो मज़ा आ जाएगा, पन चलते हैं नदी पर। दोस्तों देखिए किस तरीके से नदी पर जाने का रास्ता है, बहुत भयंकर रास्ता है, पूरे फतरे फतरे हैं चारों तरफ। ये देखिए इस तरीके से रास्ता है, नदी पे जा रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि नदी पे पानी होना चाहिए मुँह हाथ धोने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा जाने में भी डर लगता है, क्योंकि पूरा जंगल के बीच में अभी हम, और हम ज़्यादा जन नहीं हैं। तो हम यहाँ पर देखिए पूरा घना है, जानवर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर जानवर बहुत है, बड़े जानवर दिख सकते हैं। फिर भी हम क्या यहाँ से उतर रहे हैं, ये देखिए कहाँ कहाँ से निकलते हुए जाना पड़ रहा है। देखिए देखिए लकड़ी की कटाई चल रही है, यहाँ पे आग जलाने के लिए लकड़ी कटती है, नदी में जो भेके आती है उससे काट लेते हैं लोग। और नदी में है थोड़ा बहुत पानी, झीर वगैरह रहती है, वहाँ का पानी है, तो पहले देखना पड़ेगा कहीं जानवर तो नहीं है। अगर जानवर होगा तो पहले दूर से देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे चरवाहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से बालू रेत पड़ी है, तो बालू रेत के ऊपर से चलना पड़ रहा है। और ये रही नदी, तो हम आ चुके हैं नदी पर। ये देखिए नदी पूरी सूखी रही है, देखिए। दोस्तों देखिए नदी कुछ इस तरीके से सूख चुकी है, बस इतना ही पानी है। और यहाँ पर वाटरफॉल था, अभी बारिश आएगी तो दिखेगा, बाकी अभी पूरा सूख चुका है। देखिए सामने ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर वाटरफॉल था वो पूरा सूख चुका है, अब सिर्फ एक इतना ही पानी बचा है। आपको एक बार आऊँगा मैं बारिश के समय में, आपको इधर का वाटरफॉल दिखाऊँगा। यहाँ पर हमने खूब मस्ती करी है, खूब सारी फ़ोटो खींची है पहले। तो दोस्तों ये देखिए पूरी नदी सूख चुकी है, बारिश का इंतज़ार है, जल्दी ही बारिश आएगी और ये वापस अपने रूप में आ जाएगी। चलेंगे पहले मंदिर पर और फिर जाएंगे गढ़ी के अंदर। दोस्तों देखिए ये है गढ़ी का हनुमान मंदिर, और ये हनुमान मंदिर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि देखिए इन्होंने, हनुमान जी ने अपने पैर के नीचे शनि देवताओं को रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से उनकी बुरी दृष्टि ना पड़े उनके, हनुमान जी के भक्तों पर, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, उनका एक रूप है। और ये बहुत जंगल में मंदिर है, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से पत्थर वगैरह पे ये मंदिर रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर कोई इसे ध्यान नहीं देता है, बस थोड़े बहुत लोग पूजा करते हैं वो लोग ध्यान दे देते हैं, बाकी ये हनुमान मंदिर इस तरीके से है। और ये जंगल के एकदम बीचों बीच होता है, तो यहाँ पे कोई लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। और देखिए ये भोलेनाथ की शिवलिंग रखी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, और देखिए चारों तरफ पूरा जंगल है, ये देखिए चारों तरफ जंगल है। और जंगल एरिया होने के कारण ये एरिया काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं।
तो दोस्तों इसी मंदिर के सामने देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा गढ़ी और यहाँ पर इसका गेट है। दोस्तों देखिए गढ़ी के अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है। ये देखिए गेट बना हुआ था, ये अभी पूरी जर्जर हालत में है। इस पर देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन करी गई थी और ये बहुत ही सुंदर होगा इसके समय में। बाकी जो ये दीवार है बहुत कंजर हो चुकी है, देखिए कितनी कंजर हो चुकी है। ये देखिए ये पूरा पत्थर से तैयार हुआ है और देखिए गढ़ी अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर देखिए एक कक्ष था, अब हम अंदर आ जाते हैं और देखिए दोस्तों चारों तरफ कुछ इस तरीके से कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो चारों तरफ कक्ष बने देखिए इस तरीके से ये कक्ष बने हुए हैं और ये बहुत ही पहले के हैं, बहुत पुराने प्राचीन हैं। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर से किस हालत में है ये, तो चारों तरफ देखिए कैसा है ये। यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे देखिए दीवार गिर चुकी है और आगे आते हैं। दोस्तों देखिए इस तरीके से बने कक्ष, अब हम इसके अंदर जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं ये कक्ष। यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी खुदी हुई है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर अंदर एक और है, हमने देखा तो हम थोड़ा अंदर आए मगर अंदर नहीं जाएंगे। ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से अंदर एक और है, तो उधर नहीं घुसेंगे हम क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं हमको जानवरों के पैर और बड़े बड़े पैर हैं, मतलब बड़े बड़े जानवर आते हैं इधर, तो हो सकता है कि गर्मी का टाइम चल रहा है तो कोई जानवर अंदर बैठा हो, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि हमें दिक्कत हो जाए क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं हैं और ये जंगल के बीच में बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर भी एक कक्ष ऐसा बना हुआ है और ये ऊपर से पूरी पत्थर की डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। यह वही डिज़ाइन है जो आसिरगढ़ में आपको देखने मिलती है, हर किले में आपको जो डिज़ाइन देखने मिलती है ये सारी वही डिज़ाइंस है। ये देखिए यहाँ पर भी कक्ष है और इसमें भी देखिए जानवरों ने खोद के रखा है। और मैंने अभी यहाँ पे एक बड़ा पेड़ देखा था थोड़ी देर पहले, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये किले जो कि बहुत बड़ा है। ये देखिए और यहाँ पे शेर के भी पेड़ देखे मैंने, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, जल्दी से जल्दी हम इसका शूट करके निकलेंगे। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से गड्ढे खुदे हुए हैं और अंदर जानवरों के पैर के निशान है और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ये कक्ष भी देखिए इस तरीके से, कुछ लोग तो इसके अंदर भी घुस के नाम लिखते हैं, तो बहुत महान लोग हैं वो जो इसके अंदर घुस के नाम लिखते हैं, ऐसे लोगों को हम सल्यूट करते हैं टोपे पे। देखिए दोस्तों इधर भी नाम लिखा है, देखिए तो ऐसे लोगों को देखो गोल, अबे ठीक से तो लिख लेता, तो उसने जो नाम लिखा है सुनीता, अरे वाह गोल के साथ सुनीता, इनको तोप की सलामी देना पड़ेगी तोप के आगे रख के। रोहिणी, अंजलि, अरे वाह वाह, सब डायनो के नाम लिखे हुए यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पुराना है। और यहाँ पर आखिरी कक्ष आ जाता है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, अभी हम ऊपर भी चलते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ खुदाई हुई है, जानवरों ने खोद के रखा है और देखिए चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं, इस तरीके से चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं, तो एक एक कक्ष में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जानवरों के पैरों के निशान देखे हैं। देखिए मैं दूसरी तरफ आया हूँ और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से है और देखिए सामने दीवार खड़ी कर दी है आगे जाने के लिए, वो एरिया बंद कर दिया है, तो उधर से थोड़ा सा घूम के फिर आगे जाना पड़ेगा, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे अब छत पे जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर डर की बात है। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रॉपर एक बाहर से व्यू दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसा है।
दोस्तों ये ऊपर जाने का रास्ता है, देखिए कुछ इस तरीके से है। हम ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ काफ़ी जर्जर है तो संभल के ऊपर चलना पड़ेगा, फिसलने की प्रॉब्लम ना आए। और ऊपर कुछ इस तरीके से है, देखिए काफ़ी हवा चल रही है और देखिए ऊपर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपको ऊपर से एक प्रॉपर शॉट दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा कॉर्नर पर नहीं जाऊँगा। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और ये दोनों चिल्ला रहे ओ माय गॉड तो यहाँ पर ये धूप है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, भरी गर्मी है और भरी गर्मी में जंगल में घूमना बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कैसा है। यहाँ से भी एक ऊपर आने का रास्ता है दोस्तों, देखिए और ये टूट चुका है कुछ, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ गुंबज टाइप का था जो अभी टूट चुका है। और यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ झुंडियाँ है और उधर भी देखिए एक गुंबज बना है। उधर नहीं जाएंगे दोस्तों अब हम, और बाकी का देखते हैं आगे क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर आग लगी थी क्योंकि गर्मियों के टाइम पर अपने आप यहाँ पर आग लग जाती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा ऊपर से जला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कक्ष है, यहाँ पर भी देखिए कक्ष बने हुए हैं पूरे और पूरा चारों तरफ। यहाँ पर भी देखिए एक नीचे उतरने का रास्ता है, ये देखिए जैसे रास्ते से अपन आए थे उसी प्रकार का रास्ता यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये पूरा चारों तरफ से देखिए एक जैसा है, ये देखिए चारों तरफ से जो दिख रहा है आपको ये एक जैसा है पूरा। इस कारण से इधर जगह जगह पर रास्ते ऊपर चढ़ने के लिए मतलब छत पर आने के लिए बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये रास्ते हैं और यहाँ पर देखिए साइड में खेती होती है, ये देखिए ये जंगल के बीच में खेती होती है। तो खेती कुछ इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, अभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश आएगी तो ये खेती करेंगे और बिजवाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी मिट्टी और पूरी खेत में काम इनका चालू है, बहुत अच्छा काम चालू है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी आगे आ गए, यहाँ पर भी देखिए उतरने का रास्ता बना हुआ है इस तरीके से, ये देखिए चारों तरफ से जैसे चढ़ने उतरने का रास्ता मैंने आपको बताया उसी तरीके से छत के ऊपर चढ़ने का चारों तरफ से रास्ते बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रास्ता है। यहाँ पर एक बारीक घास थी तो वो जलने के कारण यहाँ पर पूरा ऊपर से आग लग जाती है। बारिश के टाइम पे ये घास उग जाती है और गर्मी के टाइम पे बहुत बड़ी घास हो जाती है तो इसमें अपने आप आग लग जाती है। तो दोस्तों फाइनली ये घड़ी को हमने कवर कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लग रही है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं कि आगे कैसा है। तो यहाँ पर ये पूरा महल टूटा हुआ है, देखिए पूरा टूट चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, पूरा टूट चुका है। और फिर आगे का रास्ता कुछ इस तरीके से, हम लोग वाले गेट से आए थे वो जो आपको आगे दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमने इस महल को अच्छी तरीके से घूमा और देखा कि ये महल कैसा है और आज की कंडीशन में ये कितना जर्जर हो चुका है। तो अगर दोस्तों अगर आप इस महल में आते हो, ये जो गढ़ी का महल है, आप सेफ्टी के साथ आइए और साथ में 4-5-6 जन लाइए, अकेले कभी आने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के निशान देखे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल प्लेस ऑफ मिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।